नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर CHO भर्ती परीक्षा 2020, राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2020। तो दोस्तों 10 नवंबर को पेपर यहां पर आयोजित हुआ था और अब दोस्तों विभाग ने ऑफिशियल रूप से आंसर की जारी कर दी है। जी हां दोस्तों, आपने कोचिंग संस्थान की आंसर की से मिलान किया होगा, लेकिन अब आपको अपनी ऑफिशियल जो आंसर की है उससे मिलान कर लेना है। ऑब्जेक्शंस कैसे लगाने हैं भाई, जो उत्तर यहाँ पर चिकित्सा विभाग ने बताए हैं वो उत्तर आपको लगता है कि ये उत्तर चिकित्सा विभाग ने भी गलत बताया है, तो उस पर ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है, मैं आप लोग को डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन हुआ कमेंट मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोगों को CHO भर्ती की आंसर की को यहाँ पे चेक कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2020, इस पे लिंक करना है। और दोस्तों यहां पर देखिए इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, ठीक है, तो ये आपकी CHO भर्ती का यहां पर ये देखिए क्वेश्चन पेपर पर आपको क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पेपर मिलेगा जो आपकी परीक्षा में आया था। दूसरे पे अगर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आंसर की द फॉर द क्वेश्चन पेपर, और तीसरा एप्लीकेशन फॉर्मेट सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन। तो तीसरा जो लिंक है वो आपका ऑब्जेक्शन के लिए है, आपत्ति लगाने के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर क्या कुछ पूछा गया था वो बता देते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर है, वो यहाँ पर सबमिट होगा। एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का है, जो प्रत्येक आपत्ति पर, प्रत्येक जो आपत्ति है उस पर ₹100 आपको भुगतान करना होगा। एक प्रश्न पर आपको पर क्वेश्चन ₹100 की फीस आपको जमा करानी पड़ेगी। और 17 नवंबर तक, 17/11/2020 तक आप इस पर आपत्ति लगा सकते हैं। ध्यान रहे, एक प्रश्न का लगाएंगे ₹100, पांच प्रश्न के लगाएंगे ₹500, ये आपको फीस भुगतान करना। फीस भुगतान किस में होगी, आप किस इस माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों, ये जो आपका है NEFT RTGS अकाउंट ट्रांसफ़र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जयपुर सेक्टरेट जयपुर, इस पे अकाउंट नंबर दिए गए हैं, ये IFC कोड दिए गए हैं, इसके माध्यम से इन अकाउंट्स में आपको फीस देनी करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको ये जो अपनी आपत्तियाँ हैं ये यहाँ पर लगानी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगाना है, ये आपका दोस्तों आंसर की है, ठीक है। ये देखिए 100 सवाल की आंसर की है, सभी का आप उत्तर देख सकते हैं। पेपर को पहले डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इस पेपर से मिलान करना है दोस्तों। ये मैंने डाउनलोड पहले से कर लिया था, वहाँ से मैं आपको दिखला देता हूँ। डाउनलोड यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, जो मैंने डाउनलोड किया था उससे आपको ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर का जो PDF है, इस ये आपकी आपत्तियों का है, ठीक है, ये बाद में समझाता हूँ आपको। तो ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, इसमें 14 नेगेटिव मार्किंग था और इसमें ये प्रश्न है, इसको डाउनलोड करके। और पहला प्रश्न इसमें विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है उससे स्टार्ट हुआ था। ये इस तरीके से आपको इस पेपर को डाउनलोड करके और अपनी आंसर की चेक कर लेनी है। 14 पेज का PDF है, ये प्रश्न पत्र है जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना पेपर का मिलान करना है, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पर ये जो आपका है ये आपत्ति लगाने का है, ठीक है, तो इस पर क्या लिखना है, ये मेल आपको करनी पड़ेगी इस ID पे, ठीक है। जो भी आपत्ति आपको लगानी है इसमें एग्जामिनेशन 10/11, नेम ऑफ कैंडिडेट, आपके रोल नंबर, एप्लीकेशन ID, क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर जो सेट है ए या बी उसमें करना है, बैंक ट्रांजैक्शन नंबर करने हैं जो है आपका, अमाउंट कितना आपने दिया है वो, और यहाँ पर ऑब्जेक्शन डिटेल्स, क्वेश्चन नंबर, यानी कि मान लीजिए आपको 5 नंबर के सवाल पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है, यहाँ पर उसका रीजन देना पड़ेगा कि ये इसका उत्तर होगा राइट आंसर, ठीक है। कैंडिडेट सेल सबमिट प्रॉपर जस्टिफिकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अलोंग विद ऑब्जेक्शन, ठीक है।
दोस्तों एक और चीज ध्यान रखिए, जिस भी क्वेश्चन पर आपको आपत्ति लगानी है उसका प्रमाण भी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, और ये जो आपत्तियां हैं मेल के जरिए ही आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। 17/11 जो है 17 नवंबर 11 बजे से पहले, तो ये आप इस तरीके से मेल के माध्यम से ये आपको पेपर निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद इनके रीजन लिखने पड़ेंगे, इनके साथ आपको ऑब्जेक्शन की डिटेल्स देनी है। डिटेल्स में आपको प्रूफ यानी कि प्रमाण जो कोई बुक का हो चाहे किसी और का हो वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपत्ति आप लोगों को लगानी है। 100 रुपये चार्ज इसमें लग रहा है। कमेंट करें दोस्तों यहाँ पर आप इस वीडियो को देखने के बाद कि आपके इस आंसर की के बाद कितने नंबर कितने सवाल सही हैं। ऑफिशियल आंसर की यहां पर चिकित्सा विभाग ने जारी कर दी है। तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से, पहले लिंक से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, आफ्टर देन आपको करना है आंसर की डाउनलोड करनी है, उसके बाद मिलान करिए, फिर थर्ड फेज पे जाना है, तीसरे पॉइंट पे ऑनलाइन सबमिशन यानी कि आपको आपत्ति किन किन क्वेश्चनों पर है उनका प्रमाण आपको इकट्ठा करना है, बुक का रेफरेंस देना है, कहीं पर भी जो भी है वो आपको रेफरेंस देना है। 100 रुपये आपको प्रत्येक प्रश्न की फीस देनी है, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो फीस है ये इस अकाउंट में जमा होगी, ठीक है। तो धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।